छतरपुर जिले के बड़ामलहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भेलदा के एक छोटे से गांव अंगरोठा में महिलाओं ने ऐसा कार्य किया है जो आज सभी के लिए मिसाल बन चुका है। पानी पंचायत की लगभग 100 से ज्यादा महिलाओं ने जल संवर्धन के क्षेत्र में परमात समाज सेवी संस्थान के सहयोग से लगभग 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर एक ऐसा रास्ता बनाया है जिससे उनके गाँव के तालाब में अब पानी भरने लगा है और अब उन्हें खुशहाली नजर आ रही है। महिलाओं ने कहा है कि यह जीत है जल सहेलियों की, यह जीत है पानी पंचायत की। पहाड़ों के जरिए बरसात का पानी बहकर निकल जाता था, इस पानी को सहेज कर महिलाओं ने गांव की दशा और दिशा बदल कर रख दी है। जल जन जोड़ो अभियान के राज्य संयोजक मानवेंद्र सिंह बताते हैं कि बुंदेलखंड पैकेज से इस तालाब का निर्माण कार्य हुआ था जो अभी तक उपेक्षा का शिकार रहा, इसमें पर्याप्त पानी नहीं भर रहा था। वन विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित कर 107 मीटर के पहाड़ को काटा गया और अब इस 40 एकड़ के तालाब में लगभग 70 एकड़ पानी भर रहा है। सूखे हुए कुएं में पानी आ चुका है, हैंडपंप जो सूख गए थे अब वह पानी देने लगे हैं। कृषि के सुनहरे भविष्य की कल्पना किसान कर रहे हैं। 100 से ज्यादा महिलाओं ने श्रमदान कर अपने गांव की खुशहाली के लिए मेहनत की है। जल सहेली बबीता राजपूत बताती है कि परमात समाज सेवी संस्थान के मार्गदर्शन और सहयोग से यह संभव हो पाया है। दूर दूर से 3 किलोमीटर पैदल चलकर महिलाएं यहां पर आती थी और श्रमदान किया करती थी। लगभग 18 महीनों की मेहनत के बाद आज यह परिणाम आंखों के सामने है। इस तस्वीर से महिलाओं की और गांव की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। महिलाओं ने इस पर्वत पर पौधे लगाने और पर्वत को बचाने का संकल्प भी लिया है। लगभग 11 तालाबों का पुनरुद्धार भी हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तालाब के भरने से सूखी हुई बछेड़ी नदी एक बार फिर से जी उठेगी। बछेड़ी नदी का उद्गम स्थल अंगरोठा है। अब बछेड़ी भी पुनः जीवंत हो चुकी है, जो केवल बरसात में बहा करती थी वह 12 महीने बहने लगेगी। छतरपुर से अजय यादव की रिपोर्ट। चाहेंगे जी, हमारा नाम बबीता राजपूत है, हम ग्राम अगरोठा से हैं। बबीता क्या कहना चाहेंगे? जी सर, जी सर, वो पिछले वर्ष हम लोगों ने परमार्थ समाज सेवी संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने 3 आउटलेट, 6 चेक डैम और 2 कुआ रिचार्ज करवाए थे, जिसमें अच्छा पानी भरा हुआ था बारिश की वजह से। और इस वर्ष भी हमारे तालाब तो बहुत दिनों से बना हुआ है, लेकिन उसमें अधिक पानी नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो पानी उनके गिर रिसाव होकर निकल जाता था और तालाब सूख जाता था। इसलिए हम लोगों ने परमार्थ समाज सेवी संस्था की मदद से सारी जल सहेलियों ने मिल कर के एक यहाँ से जंगल का पानी रोककर और तालाब में एक नाला के द्वारा पहुँचाया, जिससे एक ही बारिश में हम लोगों का तालाब बहुत सारा भर गया है। और इससे पीने के लिए भी पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा और कम से कम करीब बहुत सारे किसानों के लिए खेती के लिए भी पानी पर्याप्त होगा और खरीफ की फसल के लिए भी बहुत सारा पानी हो जाएगा और फसल भी अच्छी होगी, जिससे किसानों के लिए बहुत सारा फायदा होगा। और मतलब कि गाय भैंसों के लिए भी पानी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा तैरने के लिए, पीने के लिए, और गाँव का वाटर लेवल बढ़ेगा जिससे नलकूपों में पानी ऊपर आएगा और महिलाओं को लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम इस गांव के बारे में कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में इतना अच्छा संगठन बना है और ऐसा ही बना रहे, एक साथ हम सब जुड़े रहें और ऐसे ही पानी के लिए हमको कभी घटी बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना कभी हमारा संगठन टूट जाए परमा समाज सेवा के लिए। और जो भी हमारे पे जो कुछ बनता है थोड़ा घटा बड़ी से, वो आप हमारे के लिए संग देना परमा समाज सेवा, हमारे कभी पीछे मत छोड़ना। कभी भी परेशानी हो तो आप हमारे लिए हाथ उठा के रखना, यही हमारे लिए संसार से यही मांगते हैं। ये फूटे फूटे तालाब जो ना अपने टूटे डरे हैं कई सालों से, हमने अपनी परमात संस्था जोड़ी, फिर इसमें हमने अपना काम लगाया, इसने पानी रोका, फिर इससे पानी रुकेगा तो अपने मतलब पानी का वाटर लेवा बढ़ेगा, अपनी किसानी को होगा, अपने कुआँ बोर इनका रिचार्ज बढ़ेगा, इससे हम लोगों को किसानी में कोई परेशानी नहीं आएगी। मछली पालन भी कर रहे हैं आप? अपने मछली पालन भी होगा सारे। गांव की सभी महिलाएं सहयोग कर रही हैं जी।